नमस्कार, मैं हूं अमृत शर्मा। आप देख रहे हैं एसटीएस टाइम्स। भिवंडी में सड़क के गड्ढे भरने के कारण यातायात पुलिस का किया गया सम्मान। भिवंडी के कल्याण नाके पर उड़ान पुल बनाने वाले ठेकेदार द्वारा जमा किए गए मिट्टी के ढेर को शहर यातायात पुलिस द्वारा हटाया गया। मालूम हो कि भिवंडी शहर कल्याण रोड पर MMRDA द्वारा उड़ान पुल का निर्माण किया गया है। इस पुल को राजीव गांधी उड़ान पुल से जोड़ा भी गया है। बारिश से पहले पुल का काम पूरा होने के बावजूद कल्याण नाका उड़ान पुल के नीचे डांबर, मिट्टी व कचरे का अंबार लग गया था, जिसके कारण राहगीरों को न तो सिर्फ आवागमन में दिक्कत उठानी पड़ रही थी, बल्कि इसके कारण ट्रैफिक जाम भी हो रहा था। लेकिन भिवंडी मनपा प्रशासन अथवा उड़ान पुल के ठेकेदार कचरा उठाकर कल्याण नाका परिसर को साफ करने की जहमत नहीं उठा रहे थे, जिसके बाद शहर यातायात पुलिस ने खुद JCP लगाकर न सिर्फ पुल के नीचे का मलबा हटाया, बल्कि रास्तों में गड्ढे को भरकर सड़क को यातायात के लिए कड़ी मेहनत कर तैयार किया। इस तरह से आज भिवंडी ट्रैफिक पुलिस कल्याण रोड का इनका आपने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया, क्या वजह थी, उनको क्यों स्वागत किया गया? देखिए, भिवंडी सिटी का जो यातायात विभाग पुलिस है वह तो कल्याण नाके पर स्थित है और कल्याण नाका भिवंडी का हार्ट है। यहाँ पर पिछले एक सालों से पुल बनाने वाले ठेकेदार ने मलबा जमा करके छोड़ दिया है, जिससे लोगों को आने जाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लोगों को यहाँ पर ट्रैफिक से लोगों का बुरा हाल हो रहा था। यह सबको देखते हुए लोग बहुत परेशानी में थे। कोई भी महानगर पालिका का कर्मचारी, अधिकारी या दूसरे किसी विभाग के लोगों ने यहाँ पर जो मलबा जमा था उसको हटाने की कोई भी जहमत नहीं उठाया, जिसके बाद पुलिस वालों ने खुद ट्रैफिक पुलिस के लोगों ने, मैंने देखा, JCB लगा के यहाँ का रास्ता साफ किए, लोगों को आने जाने की सुविधा दिए, उनको जनता की तकलीफ को उन्होंने समझा और भली बात उसको समझकर यहाँ से मिट्टी का मलबा हटा के रास्ते को क्लीन किए। इसके लिए हम लोगों ने हिंदी उर्दू पत्रकार संघ की तरफ से पुलिस के तमाम जाबाज सिपाहियों का स्वागत किया। आज यहाँ पर कल्याण रोड पर ट्रैफिक पुलिस को आपने फूल वो चीज देकर सम्मानित किया। आज देखा जा रहा है कि भिवंडी के अंदर जो नेता हैं, आमदार हो, खासदार हो, सब लोग खाली फेसबुकिया नेता बनकर रह गए हैं। हमने कल देखा यहाँ ट्रैफिक पुलिस के लोग लगकर कई गड्ढे को बंद करने का काम किए और बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे यहाँ पे। उसके बाद बंद करने के बाद लोग आगे यहाँ नेतागिरी भी कर रहे हैं, तो ये हम जब देखे कि काम कोई और कर रहा है और नेतागिरी कोई और कर रहा है, तो इसलिए सिरे दूसरा लूट रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि ये जो यहाँ के पुलिसकर्मी हैं, पुलिसकर्मी भिवंडी के केवल पुलिस का ही काम नहीं कर रहे, वो सामाजिक काम में भी लगे हुए हैं। यहाँ मैंने एसटी पे देखा, बहुत गहरा गड्ढा था वहाँ पे, बीच में 15 दिन पहले ये पुलिस वालों ने, ट्रैफिक पुलिस वालों ने गड्ढा भरा, नहीं तो गाड़ियाँ पलटी होने जैसे मामले थे। तो ऐसे अधिकारियों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है और ये इस शहर के समाज सेवक और नेता जो लोग हैं, इन लोग कभी इन पर ध्यान नहीं, केवल आरोप लगाने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग पत्रकार होकर ये सोचे कि इनका साथ देना चाहिए और इस तरह काम शहर में होना चाहिए। इसके अलावा हमने देखा आज 4 महीने का लॉकडाउन हो चुका है, उसके बीच में ट्रैफिक ऑफिस के सामने खुद लोगों को खाना दिया गया, खाना बांटा गया, रिक्शा चालकों को राशन बांटा गया सीनियर की तरफ से। तो ये सब देखते हुए जब हम लोगों ने देखा कि पुलिस खुद काम कर रही है, अपने पास से पैसा लगा कर काम कर रही है, तो ऐसे लोगों का सम्मान बहुत ज़रूरी है और इस शहर के उन भ्रष्ट नेताओं का सम्मान नहीं जरूरी है जो अपनी पगार से पैसा काट कर लगा रहे हैं, उनका सम्मान जरूरी है। इसलिए हमने इनका सम्मान किया और आगे भी इस तरह का काम हम देखेंगे कोई भी अधिकारी या कर्मचारी का, तो हम सम्मान जरूर करेंगे।